सो हे फ्रेंड्स, कुछ आईएमपी इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं टोक्यो ओलंपिक से। तो पहला क्वेश्चन है अपना, किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण जीता था। तो ऑप्शन ए है 1960, बी है 1928, सी है 1932 और डी है 1948। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी 1928। इसमें कैप्टन थे मेजर ध्यानचंद जी, तो उन्होंने लाया था पहला स्वर्ण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले नीरज के कोच किस देश के है। तो ऑप्शन ए है चीन, बी है जर्मनी, सी और अमेरिका और डी है जापान। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका जर्मनी, जो कि कोच का नाम है ऊ होन। उसी के साथ रेसलिंग में मतलब जो कुश्ती में मेडल लाया है रवि दहिया ने, उसके कोच भी रशियन कमाल मालिकोव है। और उसके साथ बजरंग पुनिया ने जो मेडल लाया है, उनके भी कोच जॉर्जिया के शाका बेंटेडियस है। उसी के साथ पीयू सिंधु है, जो उनके कोच भी है विदेशी कोच है, उनका नाम है पार्क टाइसंग। और उसी के साथ पुरुष हॉकी संघ जो है, उनके कोच भी ग्रैहम रोड, जो कि परदेशी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कुश्ती में ओलंपिक में भारत को पहला पदक किसने लाया था। ऑप्शन ए सोनम मलिक, बी खाशाबाद यादव, सी सुशील कुमार और डी है साक्षी मलिक। जो कि सोनम मलिक इस बार ओलंपिक में क्वालिफाई हुई थी और अब वो हार चुकी है 2020 टोक्यो में। देन सुशील कुमार इस बार तो नहीं थे, साक्षी मलिक भी मेडल ला चुकी है, लेकिन वो पहला मेडल जो लाया है वो है खाशाबाद यादव, जो कि 1952 में उन्होंने मेडल लाया था, ओलंपिक हुआ था हेलसिंकी में और थर्ड नंबर का उनका रैंक था और उन्होंने फर्स्ट टाइम मेडल लाया था। देन उसके बाद है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, टोक्यो ओलंपिक में भारत का गोल्फ क्रीडा में किसने नेतृत्व किया और फोर्थ रैंक पाई। ऑप्शन ए सोनम मलिक, बी है अदिति अशोक, सी है सुशील कुमार और डी है साक्षी मलिक। तो सोनम मलिक, सुशील कुमार और साक्षी मलिक जो तीनों है, ये है रेसलिंग के रिलेटेड, मतलब कुश्ती के रिलेटेड, और जो अदिति अशोक है ये है करेक्ट ऑप्शन, जो कि उन्होंने मतलब अच्छा ट्राई किया था और मेडल के नज़दीक पहुँची थी, लेकिन वो मिस आउट हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अंडर विच रेसलिंग कैटेगरी डज दीपक पुनिया रिप्रेजेंटिंग इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक। ऑप्शन ए है 65, बी है 56, सी है 86 और सी है 75, डी है 70 kg। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका 86 kg, जो कि उन्होंने रिप्रेजेंट किया था और वो रेसलिंग के रिलेटेड, मतलब वो हार चुके थे मैच, लेकिन अच्छा ट्राई किया था उन्होंने भी। तो देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंडियन रेसलर इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक 2020 इन मेन्स 65 kg कैटेगरी। ऑप्शन ए है अमित दहिया, बी है रवि दहिया, सी है योगेश्वर दत्त और डी है बजरंग पुनिया। जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है बजरंग पुनिया, इन्होंने 65 kg में खेला था। तो ये बजरंग पुनिया मतलब ब्रांज मेडल लाया है इन्होंने इस बार, लेकिन उनका सपना था कि 2020 में गोल्ड लाने का, लेकिन ये सपना उनका चूर हो गया और उन्होंने मतलब कहा है कि अब 2024 में मैं गोल्ड लाके ही लाऊंगा। तो मैंने पहले ही बताया आपको, मतलब जो बजरंग पुनिया है उनके कोच है शाको बेंटेडियस, जो कि जॉर्जिया के रहने वाले हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट डू द फाइव रिंग्स ऑन द ओलंपिक सिंबल्स रिप्रेजेंट। मतलब जो फाइव रिंग सिंबल रहते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसका मीनिंग क्या है। तो ऑप्शन ए है द फाइव ओशंस, बी है द फाइव कंटिनेंट्स, सी है द फाइव प्लैनेट्स, डी है फाइव ग्रीक वर्ड्स। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है बी नंबर का, द फाइव कंटिनेंट्स, जो कि कंटिनेंट्स मतलब जो द्वीप रहते हैं समूह, मतलब फाइव द्वीप उन्होंने कहा है, कौन से वो है, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और यूरोप, ये फाइव है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे, 8 नंबर का क्वेश्चन है अपना, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम लॉस्ट इन ओलंपिक सेमीफाइनल्स एट टोक्यो 2020, विच टीम बीटन द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम। मतलब सेमीफाइनल में इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम को किसने हराया था। तो ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है बेल्जियम और डी है साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका अर्जेंटीना, जो कि सेमीफाइनल में इंडियन वुमेन्स हॉकी को अर्जेंटीना ने हराया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंडियन मेन्स हॉकी टीम लॉस्ट इन ओलंपिक सेमीफाइनल्स एट टोक्यो 2020, विच टीम्स बीटन द इंडियन मेन्स हॉकी टीम। मतलब सेमीफाइनल में इंडियन पुरुष संघ को किसने हराया था। तो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, बी है ऑस्ट्रेलिया, सी है बेल्जियम और डी है साउथ अफ्रीका। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बेल्जियम, जो कि सेमीफाइनल में इंडियन टीम को इन्होंने हराया था। देन 10th नंबर का क्वेश्चन अपना, हु ओन द गोल्ड मेडल्स इन मेंस 100 मीटर रेस इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो 100 मीटर की रेस में किसने गोल्ड मेडल जीता। तो ऑप्शन ए है एंड्रे डी ग्रेसेस, बी है फ्रेड केयरले, देन सी है योहान ब्लैक और डी है मार्सेल जैकोबस। तो करेक्ट ऑप्शन है डी, जो कि इन्होंने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल जीता है।
देन इस क्वेश्चन के बाद है 11th नंबर का क्वेश्चन, जो कि विच स्विमर्स रिप्रेजेंटेड इंडिया इन मेंस 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग इवेंट एट टोक्यो 2020 ओलंपिक्स। तो ऑप्शन ए है श्रीहरि नटराज, बी है साजन प्रकाश, सी है संदीप सेजवाल, डी है अंशुल कोठारी। तो करेक्ट ऑप्शन है अपना श्रीहरि नटराज, जो कि इन्होंने 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग में इवेंट में रिप्रेजेंट किया था इंडिया को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच इंडियन बॉक्सर अश्योर मेडल्स फॉर हरसेल बाय डिफीटिंग चाइनाज ताइपाउज चेन एट टोक्यो 2020 समर ओलंपिक्स। तो ऑप्शन ए है उसका लवलीना, बी है मेरी कॉम, सी है सीमा रंजित कौर और डी है पूजा रानी। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका लवलीना, जो कि उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया इंडिया के लिए और बहुत अच्छा ट्राई किया है इन्होंने 2020 टोक्यो में। तो इन्होंने मतलब ब्रॉन्ज मेडल लाया इंडिया के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 14 नंबर का क्वेश्चन है, हु बेट इंडियाज मनिका बात्रा इन राउंड 3 ऑफ टेबल टेनिस इवेंट एट टोक्यो ओलंपिक्स टू एंड हर रन एट ओलंपिक्स 2020। मतलब 2020 थर्ड राउंड में किसने हराया था मनिका बात्रा को, जो कि टेबल टेनिस थे इंडिया के नेतृत्व में कर रही थी। तो ऑप्शन ए है बोर्गियन, बी है चेन मेंग, सी है सोफिया पोलकानो, डी है मीमा इटो। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका सोफिया पोलकानो, जो कि इन्होंने मनिका बात्रा को थर्ड राउंड में हराया था टोक्यो ओलंपिक में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 15 नंबर का, हु ऑन द गोल्ड मेडल्स इन मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट इन शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक्स बाय ब्रेकिंग द ओलंपिक रिकॉर्ड। तो ये ऑप्शन ए है जावेद, देन बी है डैमिर, देन सी है पनांग्स और डी है अब्दुल्ला। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका जावेद फॉरग्यू, जो कि ईरान के है और उन्होंने रिकॉर्ड किया ओलंपिक में 10 मीटर एयर पिस्टल में और गोल्ड मेडल लाया है उन्होंने ईरान के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 16 नंबर का, विच स्पोर्ट्स इज रिटर्निंग इन टोक्यो ओलंपिक्स। तो किस कौन सा खेल है जो कि रिटर्न हुआ है इस बार ओलंपिक में। तो ऑप्शन ए है फेंसिंग, बी है जूडो, सी है गोल्फ और डी है बेसबॉल। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बेसबॉल, जो कि इस बार ओलंपिक में था बेसबॉल 2020 टोक्यो में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है नेक्स्ट, फटाफट देखेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, व्हाट इज द मोटो ऑफ द टोक्यो ओलंपिक्स 2020। तो ऑप्शन ए है शेयर द स्पिरिट, बी है वन वर्ल्ड वन ड्रीम, सी है वेलकम होम, डी है यूनाइटेड बाय इमोशन। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है डी नंबर का, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये है ओलंपिक का मोटो है इस साल का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का, विच लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मतलब इंग्लिश के अलावा कौन सी लैंग्वेज जो कि ओलंपिक कमेटी की ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ऑप्शन ए है चाइनीज, बी है फ्रेंच, सी है स्पेनिश और डी है जर्मन। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है फ्रेंच लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश के बाद सेकेंड लैंग्वेज है इंटरनेशनल कमेटी की ओलंपिक की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक। मतलब मॉडर्न ओलंपिक के फादर किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ले मार्क्यूज, डी सेमारेंच, ऑप्शन बी है पायरे डे काउबेरटीन, सी है डी मार्टियस विकेलियस, डी है फेरेंस केमानी। तो मतलब इसका प्रोनाउंस करने के लिए भी थोड़ा हार्ड है। तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका पायरे डे काउबेरटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, वेयर आर द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी लोकेटेड। मतलब ओलंपिक का हेडक्वार्टर कहाँ पे। ऑप्शन ए है लॉसन स्विट्जरलैंड, देन बी है पेरिस फ्रांस, सी है एथेंस ग्रीस और डी है अटलांटा यूनाइटेड स्टेट। तो मतलब बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि एथेंस है एथेंस है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन है ए लॉसन स्विट्जरलैंड, जो कि अभी इन्होंने हाल ही में हेडक्वार्टर बनाया है। तो ये 20 नंबर का क्वेश्चन है, तो आगे देखेंगे हम इसके बाद का क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, विच इंडियन वुमन जिम्नास्टिक इज गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया एट टोक्यो ओलंपिक्स 2020। ऑप्शन है प्रणीति नाइक, बी है सुनीता शर्मा, सी है दीपा कर्माकर और डी है अरुणा रेड्डी। जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रणीति नाइक, इन्होंने जिम्नास्टिक रिप्रेजेंट किया था इंडिया के लिए। सो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने जा रहे हैं इंडिया टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक में जो भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल लाए, तो सारे मेडल हम देखने जा रहे हैं और किस किस भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल लाए, किसने गोल्ड लाए, किसने सिल्वर लाए और किसने ब्रांज लाए, तो सारा डिटेल इंफॉर्मेशन आज के वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो टोटल गोल्ड है 5 लाए हमारे भारतीय खिलाड़ी ने। तो किसने लाए ये 5 गोल्ड, तो हम देखने जा रहे हैं उनके नेम। तो पहले अवनी लेकारा, जो जिन्होंने शूटिंग में वुमन 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो कि इन्होंने और एक मेडल लाया है वो भी हम देखेंगे बाद में थोड़ी देर में। तो ये गोल्ड लाया है अवनी लेकारा ने। देन उसके बाद है सुमित अंटिल, इन्होंने एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाया है। जेवलिन ने मतलब भाला फेंक में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है।
तो इन्होंने भी मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, जो जब इन्होंने जेवलिंग किया था तो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया इस पैरालंपिक में इन्होंने, तो नेक्स्ट देखेंगे हम। तो उसके बाद है मनीष नरवाल, जो कि इन्होंने शूटिंग मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में गोल्ड मेडल हासिल किया है, मनीष नरवाल। तो आप याद करेंगे कि मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल लाया है पैरालंपिक में 2020 टोक्यो में। तो उसके बाद हम देखने जा रहे हैं और एक मेडल, गोल्ड मेडल दूसरे की लड़ने लाए हैं, तो प्रमोद भगत, जो कि इन्होंने बैडमिंटन में मेंस सिंगल, तो मेंस सिंगल में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है पैरालंपिक 2020 में। तो प्रमोद भगत बैडमिंटन, इन्होंने भी गोल्ड मेडल हासिल किया है, ये भी है नाम आप याद रखेंगे। तो टोटल 5 गोल्ड है, तो उसमें प्रमोद भगत जी का भी समावेश है। तो उसके बाद हम गोल्ड मेडल देखेंगे 4th नंबर का, उसके बाद का तो ये है कृष्णा नगर, इन्होंने भी बैडमिंटन में सिंगल SH6 ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, तो ये नाम भी आप याद रखिए, कृष्णा नगर, कृष्णा नगर। तो बैडमिंटन खेल का नाम है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से। तो इन्होंने भी ये लास्ट मेडल था, मतलब 5 नंबर का गोल्ड मेडल इन्होंने भी। अब सिल्वर मेडल की बात करते हैं, तो टोटल सिल्वर मेडल आए 8, जो कि 8 सिल्वर मेडल आए। तो किस किस खिलाड़ियों ने लाए तो हम देखेंगे। तो पहला है भवानी पटेल, टेबल टेनिस में वुमन सिंगल में उन्होंने लाया है सिल्वर मेडल इंडिया के लिए पैरा ओलंपिक में। देन उसके बाद है निशात कुमार, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में मेन्स हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है पैरा ओलंपिक में। देन उसके बाद है देवेंद्र जंजारिया, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स जेवलिन में थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है। देन उसके बाद है मरियप्पन थंगावेल्यू, तो इन्होंने भी पैरा एथलेटिक्स मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। देन उसके बाद है प्रवीण कुमार, इन्होंने भी पैरा एथलेटिक्स हाई जंप में सिल्वर मेडल हासिल किया है। देन उसके बाद है सुहास यथीराज, इन्होंने बैडमिंटन में सिंगल में सिल्वर मेडल हासिल किया है। देन इनके बाद है सिंहराज, इन्होंने शूटिंग में मिक्स्ड 50 मीटर पिस्टल में सिल्वर मेडल हासिल किया है। देन इनके बाद है योगेश कथुनिया, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स में डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल हासिल किया है, जो कि थाली फेंक बोलते हैं हम उसको। तो हम लास्ट देखेंगे ब्रॉन्ज मेडल, टोटल 6 लाए इंडिया के लिए, तो किस किस खिलाड़ियों ने लाए वो भी हम देखेंगे। तो पहला नाम है सिंहराज अडाना, जो कि शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है, जो कि सिल्वर मेडल भी इन्होंने लाया है। और उसके बाद है शरद कुमार, इन्होंने पैरा एथलेटिक्स मेंस हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल लाया है। देन उसके बाद है अवनी लेकरा, इन्होंने शूटिंग 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस ब्रॉन्ज मेडल लाया इन्होंने भी। देन उसके बाद है हरविंदर आर्चरी, मेंस इंडिविजुअल रिकवर ओपन इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल लाया है। देन उसके बाद है मनोज सरकार, बैडमिंटन मेंस सिंगल्स SL3 इन्होंने भी ब्रॉन्ज मेडल लाया है। तो इस प्रकार से 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज के साथ टोटल 19 मेडल्स टोक्यो पैरालंपिक में इंडिया ने लाए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पद्मश्री जे अवार्ड विजेते आहे 2021 चे, तर त्यांची माहिती पण थोडक्यात बघूयात आणि कोणी कोणी जिंकलेले आहे, कोणी कोणी अवार्ड जिंकलेले ते आपण थोडक्यात बघूयात, जेणेकरून तुम्हाला एक आयडिया होऊन जाईल। तर हे हा जो टॉपिक आहे तो सर्वच कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचा टॉपिक आहे, यावरती एक क्वेश्चन डेफिनेटली फिक्स विचारलेलाच असतो। तर स्टार्टिंग करूया न वेळ घालवता पद्मभूषण या पुरस्काराने। तर पद्मभूषण हा भारतातील सर्वात मोठा 3rd क्रमांकाचा नागरी पुरस्कार म्हणजे सिव्हिलियन अवार्ड आहे। सुरुवातीची झालेली आहे 1954 मध्ये आणि 2021 पर्यंत पद्मभूषण एकूण 1280 जणांना देण्यात आलेला आहे। 2021 जे पद्मभूषण विजेते आहे आपण थोडक्यात वन बाय वन बघूयात। एक नंबर आहे KS चित्रा, जे की पार्श्व गायिका आहे केरळच्या आणि पूर्ण नाव आहे कृष्णन नायर शांती कुमारी चित्रा। नंतर सेकंड नंबर आहे तरुण गोगाई, राजकारणच्या रिलेटेड आहे, आसामचे आहे ते, मरणोत्तर यांना भेटलेला आहे। तर आसामचे माजी मुख्यमंत्री आहे ते आणि निधन झालेलं त्यांचं 23 नोव्हेंबर 2020 रोजी। ते 18 मे 2001 ते 24 मे 2016 दरम्यान आसामचे 13वे मुख्यमंत्री होते। नंतर आहे चंद्रशेखर कंबार, ते साहित्य आणि शिक्षणच्या रिलेटेड आहे आणि कर्नाटकचे आहे। चंद्रशेखर कंबार साहित्य अकादमीचे अध्यक्ष सुद्धा होते। तर अशा प्रकारे 2 नंबर आहेत तरुण गोगाई आणि 3 नंबर आहे चंद्रशेखर कंबार। तर अशा या दोघांना सुद्धा भेटलेला आहे। तर नंतर सेकंड नंबरचं 3rd नंबरचं आहे आणि 4th नंबरचं आहे सुमित्रा महाजन। 4 नंबर आहे सुमित्रा महाजन, राजकारण मध्य प्रदेश, तर त्या लोकसभेच्या माजी अध्यक्ष सुद्धा होत्या। आणि 5 नंबर आहे नृपेंद्र मिश्रा, प्रशासन उत्तर प्रदेश, ते माजी IAS अधिकारी आहेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रधान सचिव सुद्धा होते 2014 ते 2019 दरम्यान। तर सुमित्रा महाजन आणि
नृपेंद्र मिश्रा यांना सुद्धा हा भेटलेला आहे. नंतर आहे 6 नंबरचं रामविलास पासवान, राजकारण मरणोत्तर बिहार. तर रामविलास पासवान यांचे 8 ऑक्टोबर 2020 रोजी निधन झाले. ते लोक जनशक्ती पार्टीचे अध्यक्ष होते. केंद्रीय अन्न सुरक्षा, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री होते 2014 ते 2020. ते लोकसभेवर 9 वेळा निवडून गेले होते. तर अशा प्रकारे रामविलास पासवान यांना सुद्धा मरणोत्तर भेटलेला आहे. नंतर आहे केशुभाई पटेल. तर राजकारण मरणोत्तर गुजरात. तर गुजरातचे ते माजी मुख्यमंत्री होते. निधन झालेले यांचं 29 ऑक्टोबर 2020 रोजी. गुजरातचे 10वे मुख्यमंत्री होते आणि सोमनाथ मंदिर ट्रस्टचे 16वे वर्ष अध्यक्ष सुद्धा होते. तर अशा प्रकारे केशुभाई पटेल यांना सुद्धा भेटलेला आहे. 8 नंबर आहे काळबेस सादिक, अध्यात्म मरणोत्तर उत्तर प्रदेश. तर काळबे सादिक इस्लाम तज्ज्ञ, शिक्षण तज्ज्ञ होते. त्यांचा जन्म हा लखनौमध्ये झाला होता आणि निधन झालेलं त्यांचं 24 नोव्हेंबर 2020 रोजी. ते शिया धार्मिक शिक्षक होते. नंतर आहे 9 नंबरचं रजनीकांत श्राफ, व्यापार आणि उद्योग महाराष्ट्र. रजनीकांत श्राफ हे महाराष्ट्रातले उद्योजक आहेत. ते चेअरमॅन आहे आणि व्यवस्थापकीय संचालक आहे. UPL LTD कंपनीचे, UPL युनायटेड फॉस्फरस लिमिटेड या कंपनीचे ते ओनर आहेत. तर अशा प्रकारे काळबे सादिक आणि रजनीकांत श्राफ यांना सुद्धा हा पुरस्कार भेटलेला आहे. नंतर आहे त्रिलोचन सिंग. तर त्रिलोचन सिंग यांना सुद्धा हा पुरस्कार भेटलेला आहे. खाली आपण पद्मश्री पुरस्कार आहे त्याची माहिती नंतर बघूयात. तर नंतर आहे जो अवॉर्ड आहे तो आहे खूप महत्वाचा अवॉर्ड आहे हा, जो की शिंजो जपानचे आहे शिंजो अॅबे यांना भेटलेला आहे. जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो अॅबे यांना समाजसेवा जनसेवा क्षेत्रातील उत्कृष्ट कार्यासाठी पद्मविभूषण भेटलेलं आहे. तर पद्मविभूषणची लिस्ट आपण थोडक्यात बघूयात. ही 1 नंबर भेटला आहे शिंजो अॅबे यांना. तर यांचं कार्य तुम्ही बघू शकतात कशा प्रकारे त्यांनी भारत आणि जपानच्या दरम्यान त्यांनी एक चांगला संबंध दृढ केले. सो त्यांच्यासाठी त्यांना हा अवॉर्ड भेटलेला आहे शिंजो अॅबे पद्मविभूषण. तर 1 नंबरचं कोणाला भेटलेलं आहे शिंजो अॅबेला. नंतर 2 नंबर पद्मविभूषण भेटलेला आहे SP बाल सुब्रमण्यम. तर SP बाल सुब्रमण्यम भारतातील प्रसिद्ध गायक SP बाल सुब्रमण्यम यांना कला क्षेत्रातील कामगिरीसाठी मरणोत्तर पद्मविभूषण सन्मान देण्यात आलेला आहे. त्यांचे निधन झालेले आहे 25 सप्टेंबर 2020 रोजी. आणि त्यांनी तेलुगू, तमिळ, कन्नड, हिंदी आणि मल्याळम भाषांमध्ये 40,000 पेक्षा जास्त गाणे गायले आहे. तसेच 40 पेक्षा जास्त चित्रपटांचे संगीतसुद्धा त्यांनी आणि दिग्दर्शकाचे काम केलेले आहे. ते तामिळनाडूचे होते. त्यांना 2001 पद्मश्री आणि 2011 पद्मभूषणसुद्धा देण्यात आलेला आहे. तर अशा प्रकारे यांना हा पद्मविभूषण यावेळेस भेटलेला आहे SP बाल सुब्रमण्यम. 2 नंबर आहे. 3 नंबरचे आहे डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगडे. तर वैद्यकीय तामिळनाडू आहे. डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगडे हे प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ आहेत. ते शिक्षण तज्ज्ञ, प्रेरणादायी वक्ते आणि लेखक सुद्धा आहे. त्यांना 2010 पद्मभूषण पुरस्कार देण्यात आला आहे 2010. तर यावेळेस त्यांना पद्मविभूषण भेटलेला आहे डॉक्टर बेल्ले मोनप्पा हेगडे, वैद्यकीय तामिळनाडू, हृदयरोग तज्ज्ञ आहे. नंतर 4 नंबरचा आहे नरेंद्र सिंग कपाणी, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान USA. भारतीय वंशीय अमेरिकन भौतिक शास्त्रज्ञ नरेंद्र सिंग कपाणी यांना पद्मविभूषण सन्मानित करण्यात आले. त्यांना फोर्ब्स मासिकने बिझनेस ऑफ द मॅन ऑफ द सेंचुरी एडिशनमध्ये अनसिंग हिरोज म्हणून नामांकित केले होते. त्यांनी 1956 फायबर ऑप्टिक्स हा शब्द समोर आणला होता. त्यांच्या नावावर 500 पेक्षा जास्त पेंटर आहे. त्यांना फायबर ऑप्टिक्स, लेझर, बायोमेडिकल, सौरऊर्जा आणि प्रदूषणामध्ये शोध त्यांनी म्हणजे लावलेला आहे. तर नरेंद्र सिंग कपाणी हे भारतवंशीय अमेरिकन आहे. तर त्यांना हा अवॉर्ड भेटलेला आहे. तर अशा प्रकारे 4 जणांना आतापर्यंत अवॉर्ड भेटलेला आहे. 5 नंबरचा आहे मौलाना वहीउद्दीन खान, अध्यात्म दिल्ली. मौलाना वहीउद्दीन प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान आहे आणि शांतता कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी रशियाच्या डेम्यू ग्रुस पीस इंटरनॅशनल अवॉर्डने सुद्धा त्यांना सन्मानित करण्यात आलेलं आहे आणि 2000 पद्मभूषणने त्यांना सन्मानित केलेले आले होते. तर यावेळेस पद्मविभूषण सुद्धा भेटलेलं आहे त्यांना. तर 5 आतापर्यंत झालेलं आहे. तर मौलाना वहीउद्दीन खान यांना सुद्धा हा भेटलेला आहे. नंतर 6 नंबरचे जे आहे ते आहे बीबी लाल, पुरातत्व दिल्ली. तर दिल्लीचे प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्रज्ञ बीबी लाल तर यांना सुद्धा हा अवॉर्ड भेटलेला आहे. त्यांचे पुस्तक राम उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर और सेतू, साहित्य पुरातत्व आणि अन्य विज्ञान त्यांनी अयोध्यातील विवादित ढाचेच्या खाली मंदिर असल्याचे सांगितले. तर बीबी लाल यांनी हे सांगितले होते बीबी लाल. तर अशा प्रकारे यांना सुद्धा भेटलेला आहे बीबी लाल यांना हा पुरस्कार भेटलेला आहे. तर त्यांचे पुस्तक सुद्धा प्रसिद्ध आहे राम उनकी ऐतिहासिकता, मंदिर. तर अशा प्रकारे 7 नंबरचा आहे सुदर्शन साहू, ओडिशा कलाम. तर ओडिशाचे सुदर्शन साहू हे प्रसिद्ध मूर्तिकार आणि शिल्पकार आहे.
ते पौराणिक कथांच्या कथांना वाळूच्या मूर्त्यांमधून तयार करणे प्रसिद्ध आहे त्यांचं. त्यांनी बनवलेल्या कलाकृती देश विदेशात पण प्रसिद्ध आहे. आणि या अगोदर त्यांना पद्मश्री पुरस्काराने सुद्धा सन्मानित केलेलं आहे. तर अशा प्रकारे यांना ह्यावेळेस हा पद्मविभूषण भेटलेला आहे. सुदर्शन साहू जे की ओडिशाचे आहे आणि त्यांचे जे कला आहे तर ती देश विदेशात सुद्धा प्रसिद्ध आहे. तर यानंतर जे महाराष्ट्राचे IMP आहे आपण थोडक्यात बघूयात. एक नंबर आहे जशवंतीबेन पोपट, पद्मश्री भेटलेला आहे यांना. महाराष्ट्रातले बघूयात आपण पद्मश्री किंवा जे इम्पॉर्टंट आहे ते. तर जशवंतीबेन हे पोपट यांनी लज्जत पापडची स्थापना केलेली आहे. हजारो महिलांना रोजगार उपलब्ध करून दिलेला आहे. आता लज्जत पापड तर माहितच आहे आपल्याला, ती ऍड येत होती जे की आपण लहानपणी एक पप्पा अशी ऍड येत होती पापडाची. श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ का विशुद्ध मिश्रण. तर ह्याच आहे ज्यांना हा पुरस्कार भेटलेला आहे. महाराष्ट्रीयन आपण बघणार आहोत पद्मश्री आता आहे. नंतर लिस्ट पूर्ण लिस्ट आहे ती तुम्हाला एंडला मी देणार आहे सर्व लिस्ट पद्मश्रीची. तर परम पद्मश्री कोणाला कोणाला भेटलेला आहे महाराष्ट्र, जसंतीबेन पोपट, नामदेव कांबळे यांना सुद्धा भेटलेला आहे. नामदेव कांबळे वाशिमचे असून ते साहित्यिक आहे. त्यांच्या रागवेळ कादंबरीला 1995 साहित्य अकादमीचा पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. तर जसंतीबेन पोपट आणि नामदेव कांबळे IMP आहे महाराष्ट्रामधले. नंतर आहे सिंधुताई सप्पाळ, पद्मश्री भेटलेला आहे. सामाजिक अनाथाची माय म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिंधुताई सप्पाळ यांचा पद्मश्री पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आलेला आहे. आणि 2017 त्यांना नारी शक्ती पुरस्कार सुद्धा मिळालेला आहे. तर अशा प्रकारे सिंधुताई सप्पाळ आणि त्या दोन आहे. तर अशा प्रकारे लज्जत पापडच्या तर आणि वाशिमचे तर अशा प्रकारे तिघजणांना. आणि चौथा आहे परशुराम गंगावणे यांना सुद्धा पद्मश्री भेटलेला आहे. महाराष्ट्रातले बघणार आहोत आणि लास्टला आपण सर्व लिस्ट सुद्धा बघणार आहोत पद्मश्री कोणाला भेटलेले आहे. तर परशुराम गंगावणे आहे तर यांना सुद्धा हा पद्मश्री भेटलेला आहे. चित्रकथी या कलेचे जतन करण्यासाठी पद्मश्री पुरस्कार, 50 वर्ष अविरात कळसूत्री बावल्यासाठी काम, तसेच सिंधुदुर्गमध्ये ठकार समाजासाठी प्रसिद्ध. तर अशा प्रकारे आता हे लास्टला पद्मश्रीची खूप मोठी लिस्ट आहे. बट जेव्हा IMP मी अगोदरच बघितलेला आहे कोण कोण IMP आहे. तर ते आता ही सर्व लिस्ट आहे पद्मश्री विजेते 2021 खूप मोठी लिस्ट आहे. त्यामधले महाराष्ट्रामधले जे IMP आहे ते आपण थोडक्यात बघितले. आणखीन सुद्धा तुम्ही बघू शकता खूप यामध्ये लिस्ट आहे पद्मश्री अवॉर्डचे. तर अशा प्रकारे हे पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि पद्मश्रीचे अवॉर्ड विजेते 2021 आहे. आणि सर्व लिस्ट ही दिलेली त्यांनी पद्मश्रीची फक्त. तर बस आजच्या टॉपिकमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटूया नवीन टॉपिकसोबत, नवीन व्हिडिओसोबत आणि नवीन काही माहितीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद.